व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्वो वायरस के बारे में। तो पार्वो वायरस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे हम लोग कैसे अपने डॉग को बचा सकते हैं पार्वो वायरस से, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम आज की वीडियो में ये पूरे टॉपिक कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है कि पार्वो होता क्या है, तो भाई ये एक डॉग की बीमारी है जिसमें डॉग को ये इन्फेक्शन हो जाता है। भाई पार्वो एक इन्फेक्शन होता है जिसमें कि डॉग की हालत ख़राब होने लगती है, डॉग आपका खाना पीना छोड़ देता है और बहुत ही एकदम वीकनेस सा उसको फील होने लगता है, बहुत वीक होता जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बहुत वीक होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्वो वायरस है ये होता कैसे डॉग को? तो फ्रेंड्स, ये जो डिसीज़ होती है ये वायरल होती है। मीन्स अगर कोई इन्फेक्टेड डॉग है और हमारा डॉग उसके आसपास जाता है या उसके पास सूंघता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपने डॉग्स को लेके जाते घुमाने के लिए, तो हमारे डॉग जो बाहर के स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी अदर डॉग है, अगर उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, मींस वो लोग एक दूसरे के बट को स्मेल करते हैं, एक दूसरे को वो लोग लिक भी करते हैं, तो अगर हमारे डॉग ने किसी ऐसे इन्फेक्टेड डॉग को लिक किया है या स्मेल किया है, तो हमारे डॉग को ये पार्वो वायरस उस डॉग के थ्रू इन्फेक्ट हो जाएगा और हमारा डॉग भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग एकदम होशियार रहिए। अगर आप अपने डॉग को बाहर टहलाने ले जा रहे हैं तो बिल्कुल भी किसी भी ऐसे स्ट्रीट डॉग से अपने डॉग को आप कांटेक्ट ना करवाइए। कहने का मतलब कि जितने भी बाहर डॉग हैं, ज़रूरी है क्या उनको डॉग के पास ले जाके कांटेक्ट करवाना? ज़रूरी है क्या कि वो जाके एक दूसरे को स्मेल करे? भाई थोड़ा सा दूर रखो, गैप बना के रखो। दूसरी चीज़, अगर हमारे डॉग ने किसी ऐसे डॉग की पॉटी को स्मेल कर लिया है जो पार्वो वायरस इन्फेक्टेड था, तो उसकी पॉटी के थ्रू भी ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे डॉग को हो सकता है। तो आप बिल्कुल इस बात का एकदम ध्यान दें कि जो आपका डॉग है, अगर आप बाहर उसको टहलाने ले जा रहे हो तो कोई ऐसी गंदी जगह को स्मेल ना करें। मीन्स गंदी जगह के पास ले ही मत जाइए अपने डॉग को, थोड़ा सा ऐसी जगह से दूर रखिए। जैसे आप अपने डॉग को बाहर आप टहलाते हैं तो बाहर की जो कुछ रोटी वोटी हैं या कुछ भी अगर खाना कोई ट्रीट रखी है किसी और जानवर के लिए, तो ट्राई करिए कि जो आपका डॉग है वो उस खाने को मत छुए। हो सकता है उसे किसी इन्फेक्टेड डॉग ही खा के छोड़ा हो, तो अगर ऐसा केस होगा तो आपके डॉग को भी ये वायरस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे मेन बेसिक्स रीज़न थे कि जिनसे हमारे डॉग को पार्वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर पार्वो हो जाता है तो हम उसको जज कैसे करें, मीन्स पार्वो के सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी बिगिनर ही हूँ, मेरे पास भी एक डॉग था और जब मेरे डॉग को पार्वो हुआ तो मुझको भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि पार्वो नाम का भी कुछ वायरस होता है डॉग को, मीन्स पार्वो नाम की भी कोई डिसीज़ होती है। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया, कहीं से कुछ नॉलेज मिल रहा, कहीं से कुछ मिल रहा, हालांकि इस पर वीडियोज़ बहुत, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, पार्वो के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ऐसा हुआ था कि जो मेरा डॉग था उसने अचानक से खाना पीना बंद कर दिया। उसके बाद उसने जब एक दिन कुछ नहीं खाया तो भाई डॉग कुछ भी नहीं खा रहा, नॉर्मल नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यार वो जानवर है, वैसे भी उसको हर टाइम पेट भरा होता है, तो भी अगर वो खाना देखता है तो बिल्कुल उसे खाने का ट्राई करता है। तो भाई उसने कुछ नहीं खाया, मैंने उसको पेडिग्री दी, उसने पेडिग्री नहीं खाई, दूध नहीं पिया, और बात तो तब ख़राब हुई जब मैंने उसको अंडा दिया। भाई मेरा डॉग अंडा बहुत पसंद करता है, एग हो गया, पनीर हो गया, जब उसने एग नहीं खाया तो मुझे लगा शायद कुछ सीरियस बात है, शायद इसको फीवर हो गया है। तो भाई मैंने भी इसको थोड़ा नॉर्मली लिया, ये बात है शाम की। और फिर अगले दिन जैसी सुबह हुई, मैंने एक पास के मेडिकल स्टोर से उसको दवाई दी, बट भाई उस दवाई को देने के बाद भी उसने दोपहर तक कुछ नहीं खाया। तो भाई मैंने कोई वेट वोट नहीं किया, मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं यार एक दिन दो दिन रुक के देख ले, शायद अपनी जो दवा है, अपनी जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको देने शायद रिकवर कर जाए। मैंने वो रिस्क नहीं लिया, मैंने मतलब उसका वेट नहीं किया, मैं उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले गया, वहाँ मैंने चेकअप कराया। तो भाई चेकअप करने के बाद जब उन्होंने उसको मतलब पूरा एग्जामिन किया और जब उन्होंने बोला कि इसको क्या ऐसी कुछ रेडिश पॉटी हुई थी, तो भाई मेरे सामने तो हुई नहीं थी, मैंने बोला नहीं हुई थी पॉटी उसको कोई। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया और जब उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया उसको, इंजेक्शन के बाद भाई फिर जैसे ही मैंने डॉग को उठाया वो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी मुझको लगी कि शायद वो कुछ अब फ्रेश वेश या कुछ उसे टॉयलेट करनी है, तो मैंने उसे तुरंत नीचे उतारा और वो जाते ही बंदा दौड़ता हुआ गया और उसने वहाँ पर रेडिश पॉटी करी। तो भाई सबसे बड़ा सिम्टम है पार्वो वायरस का कि डॉग को एक रेडिश टाइप की पॉटी होती है, मींस खून टाइप का उसमें रंग आएगा, खून वाली थोड़ी पॉटी होती है, एकदम लिक्विड फॉर्म में होती है और उसकी बहुत ही वियर्ड स्मेल होती है, बहुत बदबूदार पॉटी होती है, मींस स्मेल
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, स्मेल बट बहुत वियर्ड होती है, तो इससे आप जज कर सकते हो। वैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार या दो बार अगर डॉग की पॉटी हो रही है रेडिश वाली तो उसको पार्वो है, क्योंकि हो सकता है उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन है तो वही उसके फॉर्म पे निकल रहे हो लिक्विड के फॉर्म पे। बट भाई बार बार उस पॉटी का होना तो ये सिम्टम है पार्वो वायरस का, इट मीन्स कि कुछ सीरियस है। दूसरी जो सिम्टम है इसकी वो है आपके डॉग को बार बार वॉमिटिंग होगी, अगर वो पानी पिएगा तो भी उसको वॉमिटिंग होगी, कुछ खाएगा नहीं वो इस केस में, बट उसे प्यास बार बार लगेगी तो वो बार बार पानी पिएगा, और जब जब वो पानी पिएगा तो उसको तुरंत तुरंत वॉमिटिंग हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो वॉमिटिंग पहले कुछ झाग टाइप की होगी, वाइट वाइट, उसके बाद हो सकता है कि वो वॉमिटिंग में थोड़ा सा येलोविश भी आ जाए। तो भाई ये सब सिम्टम है पार्वो वायरस के, मीन्स अगर पार्वो वायरस है तो आपका डॉग खाएगा पिएगा तो वैसे भी कुछ नहीं। दूसरी चीज, उसको रेडिश पॉटी होगी, खून टाइप की पॉटी होगी, उसकी बहुत ही वियर्ड स्मेल होती है, और आपके डॉग को वॉमिटिंग बार बार होगी जब जब वो पानी पिएगा। अब फ्रेंड्स, अगर पार्वो वायरस होता है, आपने ये जान लिया कि वो इन्फेक्ट कैसे कैसे हो सकता है, अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि उसको हम क्योर कैसे करें, मींस पार्वो का ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, पार्वो का अब ट्रीटमेंट भी होता है और बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन तब जब आप इसको फर्स्ट स्टेज में समझ पाए, तो पहली तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके डॉग को ऐसा कुछ भी सीरियस डिसीज़ हुई है और वो खाना नहीं खा रहा है और आपको सिम्टम्स उसके पार्वो वाले लग रहे हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, ना कि खुद डॉक्टर बन के आप उसका इलाज करिए। दूसरी चीज भाई, जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो ये है कि डॉक्टर ने ये बताया कि अगर 5 दिन डॉग हमारा इस ट्रीटमेंट को सर्वाइव कर ले जाता है, ट्रीटमेंट की ड्यूरिंग सर्वाइव कर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज कुछ कह नहीं सकते। तो भाई उसमें 5 दिन में ये हुआ कि डॉग को आईवी फ्लूइड्स चढ़े, इंजेक्शन से उसको कुछ एंटीबायोटिक्स दिए गए, और जो भी उनके इंजेक्शन लगते हैं वो डॉक्टर ही जाने। तो भाई ये 5 दिन चला और 5 दिन में डॉक्टर ने मना किया था कि उसको एक बूंद भी पानी नहीं देना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आईवी फ्लूइड्स ग्लूकोज चल रहा है उसको, और इंजेक्शन डॉक्टर बाहर से दे रहे हैं, मीन्स जितना खाना खाने से उसको ताकत आती वो उसको एक्सटर्नली सोर्स के थ्रू मिल रही है, तो भाई वहाँ पे पानी आपको डॉग को बिल्कुल भी नहीं देना, आपको बचा के रखना 5 दिन कि आपका डॉग पानी ना पिए। अगर आपका डॉग पानी पिएगा तो उसको वॉमिट कुछ देर बाद तुरंत हो जाएगी, और जो अंदर के फ्लूइड्स है हो सकता है वॉमिट के थ्रू वो थोड़ी थोड़ी देर में करके बाहर आ जाए, तो भाई इसमें लॉस ही है आपका, मीन्स आपके डॉग की हालत बिगड़ सकती, तो आपको बचा के रखना है 5 दिन वो पानी बिल्कुल ना पिए। और भाई जो दवाई थी वो भी बहुत महंगी नहीं थी, वो एक दिन की कॉस्टिंग अराउंड 110 रुपीस पड़ रही थी, और भाई दवाई काफ़ी अच्छी थी, तो दवाई का नाम मुझे ऐसे नहीं पता है, आपके सामने अभी वो उसका मैं पिक क्लिक करके मतलब शो करा दूंगा स्क्रीन पे, आप उस दवाई को देख लेना, और अपने पास के कई मेडिकल स्टोर से अगर आप चाहो तो दवाई को ले लेना। वैसे उस दवाई से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मेरा डॉग 3-4 दिन में रिकवर हो गया, मेरा जो पपी है ये था 3 महीने का, खैर अब तो वो काफ़ी अच्छा है भगवान की दया से। और वैसे भी भाई ये जो 5-4 दिन जो बीते हैं हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उसकी हालत कैसी कैसी हो गई थी, कितना ज़्यादा वीक हो गया था, उसने ना कुछ खाना खाया था ना कुछ किया था, खाली भाई लेटा रहता था बस। तो फ्रेंड, आई होप कि मैंने आपको पार्वो के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, उसके क्योर के बारे में और सिम्टम्स के बारे में बता दिया, क्योंकि भाई देखो अलग अलग तरीके की आपको वीडियोज़ मिलेंगी, बहुत लंबी वीडियोज़ भी मिलेंगी, बहुत छोटी वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर कर दिया, और अगर आपको दवाई ये परचेज़ करनी है तो मैंने पिक फ्लैश करा दी है स्क्रीन पे, आप वहाँ से इस पिक को देख के आप दवा ले सकते हैं, इससे मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था, आई होप आपका डॉग भी ठीक हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डॉग्स से रिलेटेड आगे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।